क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हिंदुस्तान न्यूज 24 और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आईपीएल 2019 के फाइनल में बेशक मुंबई इंडियंस रोमांचक मुकाबले में एक रन से जीत हासिल कर चैंपियन बन चुकी है, लेकिन मुंबई इंडियंस की जीत से ज्यादा चर्चा है चेन्नई सुपर किंग्स की हार की। जी हां, आखिरी ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स को जीत के लिए 9 रन की जरूरत थी, जबकि क्रीज पर मौजूद थे स्टार बल्लेबाज शेन वाटसन और रविंद्र जडेजा। हालांकि जडेजा की बेशक ऑलराउंडर में गिनती होती है, लेकिन जब टीम को जडेजा की जरूरत हो तो ज्यादातर मौकों पर उनका बल्ला खामोश ही रहता है। यही नहीं, जीत दिलाना तो दूर की बात, जडेजा को ऐसे अहम मौके पर साथी खिलाड़ियों को रन आउट कराने में भी महारत हासिल है। चैंपियंस ट्रॉफी में हार्दिक पांड्या को आउट कराने वाले जडेजा यहां भी वाटसन को रन आउट कराने से नहीं चुके और वाटसन का रन आउट ही मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का रन आउट भी क्रिकेट फैंस के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल टीवी रिप्ले में साफ तौर पर दिख रहा था कि गेंद से पहले महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला क्रीज में पहुंच चुका है। हालांकि दूसरे एंगल से ऐसा लग रहा था कि गेंद और बल्ला दोनों एक साथ ही पहुंचे हैं। ऐसे में ज्यादातर मौकों पर फैसला बल्लेबाज के पक्ष में दिया जाता है, लेकिन यहां 7 मिनट की माथा पच्ची के बाद थर्ड अंपायर ने धोनी को आउट करार दे दिया। धोनी इस विवादित रन आउट का शिकार नहीं होते तो मैच का पासा पलट सकते थे। इस फैसले को लेकर मुंबई इंडियंस की इस जीत के बाद अभिनेता कमाल राशिद खान ने भी एक विवादित ट्वीट किया है। केआरके ने अपने ट्वीट में लिखा, धोनी रैना रायडू जबरदस्ती आउट हो गए। शेन वाटसन आखिरी ओवर में गैर जरूरी तरीके से अपना विकेट गंवा बैठे। ये इस बात का सबूत है कि अंबानी भारत में कुछ भी कर सकते हैं और पैसे से दुनिया में कुछ भी किया जा सकता है। वहीं इस विवादित फैसले की वजह से चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस ने तो यहां तक कहा है कि फाइनल मैच दोबारा कराया जाए।